अरे बेटा नई नई कार चलानी सीखी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही थी, थोड़ी सी ज्यादा लग गई, क्लेम करवा दो प्लीज। मैडम आपको ये पता है ना कि अगर आप कार चलाना सीख रही हैं तो लर्नर्स लाइसेंस जरूरी है, तो लर्नर्स लाइसेंस नहीं है उसके बावजूद भी आप कार चला रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं और किसी को ठोक भी रही हैं, क्लेम नहीं मिलेगा। आप मेरा क्लेम पास कर दो ना, नो क्लेम बोनस ही तो नहीं बताया, प्रीमियम तो पे किया है ना टाइम पे। NCB आपको सही तरीके से डिस्क्लोज करना चाहिए, आपने सही डिस्क्लोजर नहीं दिया, नॉन डिस्क्लोजर दिया है NCB का, इसलिए आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। यार इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी से क्लेम सेटल करो ना और मैं जाऊँ। बेटा तुम पी के गाड़ी चला रहे थे तो उस केस में क्लेम नहीं मिलेगा। मेरी कार गैराज में खड़ी है इतने दिन से, ये क्या बहाना लगा रहे हो कि CNG लगाई है तो क्लेम नहीं मिलेगा। सर जी CNG लगवाई है, कोई गलत काम नहीं करा, बट कंपनी को कोई भी मॉडिफिकेशन आप करते हो तो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, इसलिए आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं हम। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके कार इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आप भी ध्यान रखें आपकी पॉलिसी में ऐसा कुछ ना हो कि जिससे आपको कार इंश्योरेंस का क्लेम ना मिले।